नमो अर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमंगदिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुर नमो सुदकेवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचले पुण्य पाप के भाव सब हे आश्रव दुख काम सुख का आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम का आश्रव अधिकार है। इस अधिकार का मूल विषय कल चर्चा की थी, क्या विषय है मूल विषय, क्या बात कही गई है पुनः पुनः, ज्ञानी निराश्रव है। और आश्रव दो प्रकार का होता है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। इसलिए 168 और 169 गाथाओं में ज्ञानी के दोनों आश्रव, 168 में भावाश्रव नहीं है ये बात कही और 169 में द्रव्याश्रव नहीं है ये बात कही गई है। क्या उदाहरण दिया 169वीं गाथा में, कौन द्रव्य कर्म को द्रव्याश्रव कहा, द्रव्याश्रव भूत, पहले जो आश्रवित हुए थे इसके कारण से जिसको द्रव्याश्रव कहा, और आगे आश्रव के लिए कारण बनते हैं इस कारण से प्रारंभ में उनको द्रव्याश्रव कहा था। अब वे है लेकिन कैसे हैं, मिट्टी के ढेले के समान हैं। मिट्टी के ढेले के समान है मतलब क्या है, आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। तो है तो कहाँ है फिर, वे है भी तो कहाँ है, कारमान शरीर में बंधे हुए हैं, कारमान शरीर के साथ बंध कर पड़े हुए हैं। और जीव के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा। एक क्षेत्र होगा संबंध है, अन्य द्रव्य वाले कहा उन्हें, अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से अन्य द्रव्य वाले कहा था। जैसे ना आचार्य ने क्या उदाहरण दिया था, हाथ में रखे हुए विष के समान, जैसे हाथ में रखा हुआ विष कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है, वैसे ही ये पूर्वबद्ध सत्ता में पड़े हुए द्रव्याश्रवभूत जो कर्म द्रव्य कर्म ही है, वे ही जीव का कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। जब कुछ बिगाड़ करते नहीं हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, पड़े भी है तो जीव में कहाँ है, कारमान शरीर में है तो उसमें है तो है, तो उसे जीव का क्या संबंध है। और ज्ञानी इस बात को स्वीकार करता है इसलिए वो द्रव्याश्रव से भी रहित है, उसके द्रव्याश्रव भी उसके नहीं हैं। भावाश्रव की बात पहले कही गई थी। अब 115वां कलश जो एक तरह से दोनों के उपसंहार के रूप में है, जो बात 168 169 गाथाओं में कही गई उसी बात को 115वें कलश में कहते हैं। अब इसी अर्थ का पोषक कलश काव्य कहते हैं।
बोलिए एक साथ। भावाश्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्य स्वतैव भिन्न ज्ञानी सदा ज्ञानमयैक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। निराश्रवो, निराश्रवः किसकी बात चल रही, कौन निराश्रव है? ज्ञानी। तो नीचे की पंक्ति में पहला शब्द ज्ञानी, ज्ञानी निराश्रवः, ज्ञानी निराश्रव। क्यों निराश्रव है? पहले अकेले श्लोक का अर्थ करते हैं, फिर विशेष बात करेंगे। ज्ञानी निराश्रवः पहले लेते हैं, ऊपर की पंक्ति का दूसरा अंश, द्रव्याश्रवेभ्य स्वत एव भिन्नः। ज्ञानी द्रव्याश्रवेभ्य स्वतः एव भिन्नः। द्रव्याश्रव से कैसा है? स्वयमेव भिन्न है। क्यों भिन्न है स्वयमेव? क्योंकि वे जड़ है, वे पुद्गल है, और यदि बंधे भी है तो कारमान शरीर जड़ शरीर के साथ बंधे हुए हैं, जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, तो भिन्न ही है। दो द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव है, तो जीव में तो द्रव्याश्रव भूत कर्म उनका बिल्कुल अत्यंत अभाव है, तो स्वयं में भी भिन्न है, उन्हें क्या भिन्न करना। तो मैंने वे तो भिन्न ही है, भिन्न है, उन्हें भिन्न करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है कि भिन्न जानना है, और वो ज्ञानी जानता है। वो नीचे की पंक्ति में ले रहे उस बात को, क्योंकि ज्ञानी जीव द्रव्य है, द्रव्याश्रव अचेतन जड़ पुद्गल द्रव्य है, और दोनों द्रव्य अपने आप में स्वभाव से ही भिन्न होते हैं, इसलिए इस दृष्टि से द्रव्याश्रव से तो स्वयं में भी भिन्न है, द्रव्याश्रव से तो भिन्न है, लेकिन भावाश्रव तो उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो जीव का परिणाम है, जीव में ही उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे तो है ना ज्ञानी के, कि नहीं उस भावाश्रव के वो अभाव को प्राप्त हो। भावाश्रवाभावम अयम प्रपन्नः, हम उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं जिसने नीचे नीचे की पंक्ति में ले लीजिए, सदा ज्ञानमयैक भावः, और भी लिया, ज्ञायक एक एव, ज्ञानमय एक भाव, ज्ञायक एक एव, ये जिसने निर्णय कर लिया है, जान लिया, मान लिया, और भूमिका अनुसार उसमें स्थिर भी हो रहा है, तो वो तो अपने आप को एक ज्ञानमय भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञायक एक ऐसा ही अनुभव कर रहा है, तो भावाश्रव है कहाँ उसके, इसलिए वह भावाश्रव के अभाव को भी प्राप्त हुआ है। देख भाषा का प्रयोग भी, जो वस्तु स्थिति है, यद्यपि अध्यात्म की भाषा से बात करते हुए ये कहा जा सकता है और कहा भी, जीव जीव अधिकार में तो 29 प्रकार के भाव जीव के है ही नहीं, और जब वो नहीं है कहा वहां कोई अपेक्षा नहीं लगाई, बिल्कुल एक एक वाक्य में एक साथ कह दिया ये सभी भाव जीव के नहीं है, और कारण भी एक ही दे दिया, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न होने के कारण, ये गुण वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, मैंने पुद्गल के हैं, तो रागादि को भी उसी में शामिल कर लिया, कोई अंतर नहीं किया। उस दृष्टि से बात करें यहाँ पर, तो द्रव्याश्रव माने वर्णादि, और भावाश्रव माने रागादि, इन दोनों से भिन्न है, तो स्वतः ही वो भिन्न है, जो पुद्गल के परिणाम तो स्वयं में भिन्न है, लेकिन यह ऐसा नहीं कहा। द्रव्याश्रव से तो स्पष्ट जड़ पुद्गल होने से उनसे तो स्वभाव से भिन्न है, लेकिन भावाश्रव, ये भावाश्रव जीव का विकारी परिणाम है, जीव में उत्पन्न हो रहा है, तो उससे कैसे भिन्न हो? तो ज्ञानी उससे भिन्नता को प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ, जब तक उसने भेद विज्ञान नहीं किया, भिन्नता नहीं जानी, नहीं पहचानी,
तब तक वह भावाश्रव रूप परिणमित हो रहा है, होता है। कल ये भी चर्चा की थी, ये पुद्गल पिंड के समान है, लेकिन किसके लिए? कि नानी से ज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी के लिए क्या? अकेले सम्यक दृष्टि के लिए। द्रव्याश्रव से भिन्न है ये बात, क्या अकेला ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही भिन्न है? मिथ्या दृष्टि द्रव्याश्रवों से, जड़ कर्म से भिन्न नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्या जड़ हो गया है? उसके साथ तो एकमेक हो गए हैं क्या? पीछे जीव अजीव अधिकार में ही आगे ऐसी चर्चा ली, जीव का वर्णादि के साथ तादात में है कि नहीं, वर्णादि के साथ तादात में है कि नहीं? कहले नहीं है तादात में वर्णादि का, क्योंकि तादात में संबंध तो वहां माना जाता है जो उस द्रव्य के साथ सब पर्यायों में रहे, सभी पर्यायों में। तो क्या वो तो संसार दशा में वर्णादि रहते हैं, सिद्ध दशा में तो नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब सर्व अवस्थाओं में नहीं रहा, तो इसका मतलब तादात में नहीं है उसके साथ में। तो फिर ये कहा कि संसार दशा में तो है ना, तो उतनी संसार दशा में तादात में मान लो, क्या दिक्कत है? उतने संसार की कोई अवस्था जीव की वर्णादि से रहित नहीं है, तो संसार अवस्था में वर्णादि जीव को बराबर छोड़ते नहीं हैं, बराबर रहते हैं सब अवस्थाओं में। तो संसार अवस्था में तो सब अवस्थाओं में है ना, तो उतनी अपेक्षा से तादात में मान लो। कि नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। क्या होगा ऐसा मानेंगे तो? क्या दिक्कत होगी? फाइनल वालों ने पढ़ लिया ना, क्या तर्क दिया? दो तर्क दिए। एक तो यदि संसार अवस्था में वर्णादि रूप हो गया तो जीव अजीव हो जाएगा, अजीव और जीव में अंतर नहीं रहेगा। जीव वर्णादि से तन्मय हो गया ना, तो वर्णादि से तन्मय तादात्म्य हो गया तो अजीव हो गया, पुद्गल हो गया। अजीव पुद्गल हो गया कहाँ? वो पुद्गल वर्णादि से तन्मय मत पुद्गल हुआ, तो क्या होगा? हो जाने दो। तो और तर्क दिया आगे, क्या दिया? तो फिर जो मोक्ष होगा ना बाद में, तुम तो संसार अवस्था में कह रहे हो, बाद में क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। तो संसार अवस्था में पुद्गल से तन्मय हो गया, तादात्म्य हुआ, तो क्या हो गया कि जीव पुद्गल हो गया तादात्म्य होने के कारण से, फिर मोक्ष हुआ। तो किसको मोक्ष हुआ? वो जो पुद्गल हो गया था ना, तो ना पुद्गल को ही मोक्ष हो जाएगा फिर तो जीव को क्या होगा? जीव को क्या लाभ मिलेगा उसका? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो मोक्ष अवस्था में तो जीव रहता है और संसार अवस्था में पुद्गल हो जाता है, वर्णादि से तन्मय होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे संसार अवस्था में हो चाहे मोक्ष अवस्था में हो, वर्णादि से तादात्म्यपना नहीं है। ऐसा ही द्रव्याश्रव कहा यहाँ पर, जड़ कर्म से ज्ञानी के तो अभाव है स्वभाव से, और अज्ञानी के मिथ्या दृष्टियों के उनके सद्भाव है, उनका भी वह जड़ कर्म अत्यंत भिन्न ही है। वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के भी जड़ कर्म का अत्यंत अभाव ही है। कर्म कर्म में है, जीव जीव में है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन भावाश्रव के संदर्भ में ऐसा नहीं कह सकते हैं। ज्ञानी के तो भावाश्रव का अभाव हुआ है और अज्ञानी के निरंतर भावाश्रव चल रहा है, तो ये अंतर है। तो इसलिए द्रव्याश्रव के साथ तो लिखा द्रव्याश्रव से स्वयं वो भिन्न है और भावाश्रव के अभाव को प्राप्त हुआ है। अभाव को प्राप्त हुआ है इसका मतलब अभी तक तो नहीं था, अब अभाव को प्राप्त हुआ। जब उसने भेद विज्ञान किया, सम्यक दर्शन किया, अनुभव किया, तब वह प्राप्त हुआ है। और उसको प्राप्त होने का कारण नीचे दिया, ज्ञानी सदा ज्ञानमयैक भावः निराश्रवो ज्ञायक एक एव। ये निरंतर उसके अंदर में चल रहा है। गुरुदेव के प्रवचन में भी एक बात आई थी, चाहे वह ग्रस्त अवस्था में हो, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही हूँ। ये निरंतर संचेतन, ये निरंतर संवेदन चलता है, मैं आत्मा हूँ। घर गृहस्थी में, व्यापार धंधे में, सब कुछ कर रहा हो, सब कुछ करते हुए वो बोल भी रहा है, कह भी रहा है। व्यापार धंधे में लगा हुआ हो तो बिल्कुल सामने वाले से लेना देना हो, मैं बिल्कुल एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा,
मेरा हक है, लेकर के रहूँगा, तो अपने वो हक समझ रहा है तो उस हक के लिए लड़ेगा भी। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि तो छोड़ देगा, वैसा नहीं। ये सब करते हुए भी वो ये बराबर समझ रहा है, जान रहा है, मान रहा है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ये जो अंतरंग में चल रहा है निरंतर, तो ये ज्ञानी सदा ज्ञानमयिक भाव निराश्रव ज्ञायक एक एव, इस संचेतन संवेदन के कारण वो निराश्रव है। ज्ञानी निराश्रव इस कारण से वो निराश्रव है। द्रव्याश्रव से स्वयमेव भिन्न, भावाश्रव के अभाव को प्राप्त। वैसे द्रव्याश्रव के लिए तो ये कहा कि भिन्नता जाननी है, माननी है, पहचाननी है। भावाश्रव का अभाव करने के लिए क्या करना है? उससे तो जान लिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ कर भी नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो का मतलब अलग कर देना। एक बार द्रव्य कर्म से भिन्नता जान ली, कारमान वर्गणा, कारमान शरीर से, लेकिन भिन्नता जानने के बाद भी उनका अभाव आप नहीं कर सकते हो। जैसे शरीर से भिन्नता जानने के बाद शरीर से पृथकता नहीं कर सकते हो, शरीर बराबर रहेगा, यहाँ तक कि केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भी वीतरागता सर्वज्ञता हो गई तब भी शरीर बना रहेगा, तो बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राग के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा करो, राग के लिए भी ऐसा ही कर लो, राग से भी भिन्नता जान लो अकेली, और पड़ा रहने दो राग को, तो ऐसा नहीं होता है। वो राग का अभाव ही होता है। इसकी भिन्नता जानने के साथ उसका अभाव भी करना है, राग का, शरीर आदि का अभाव नहीं करना है। आप कर्मन शरीर का भी अभाव नहीं कर सकते। नौ कर्म शरीर का अभाव नहीं हुआ अनंत भगवान के, कर्मन शरीर का भी अभाव कहाँ हुआ है? आघाती कर्म वाला शरीर जो है कर्मन शरीर, वो कर्मन शरीर भी बराबर मौजूद है, उसका भी अभाव नहीं हुआ, तो वो भी पड़ा हुआ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राग के साथ में अकेली भिन्नता नहीं जाननी है, राग का अभाव भी करना है। इसके पीछे कारण ये भी है, शरीर बना रहे, सत्ता में कर्म पड़े रहे। वो पिछले कहा, वही पृथ्वी पिंड समाना, पृथ्वी के ढेले के समान है, कुछ बिगाड़ नहीं करते। लेकिन राग का अंश भी विद्यमान रहा। आगे शायद 200वीं गाथा है, उसने लिखा परमाणु मितव्य, परमाणु मात्र भी राग जिसके शेष है वो सब आगम धरोवी, भले ही सर्व आगम को जानने वाला भी हो तो भी वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। जिसके परमाणु मात्र भी राग विद्यमान है, तो उसे तो परमाणु मात्र राग कहा, लेकिन उसका भाव तो ये लिया कि राग के प्रति राग, राग मेरा है। ऐसा परमाणु मात्र इतना भी 38वीं गाथा में तो कहते हैं नवी अर्थ मध्य किंच भी अन्नम परमाणु में तम, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये ज्ञानी का संचेतन, और वहाँ लेते हैं कि परमाणु मात्र भी राग रहा तो सर्व आगम का जानकार हो तो भी वह ज्ञानी नहीं है, तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। तो वो राग इतना सा भी रहे, वो राग का उतना सद्भाव आकुलता उत्पन्न करता है, दुखदायक है। और शरीर कर्म पूरे के पूरे पड़े हुए हो तो भी आकुलता उत्पन्न करने के लिए कारण नहीं होते हैं। शरीर और कर्म की सत्ता रहते हुए आत्मा अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है, अनंत सुख प्रति समय भोगता है, उसमें रंच मात्र बाधा नहीं आती। और राग परमाणु मात्र भी रहेगा तो अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। और उतना राग भी जैसे उधर फांस तनक सी तन में साले, वो जैसे उसको छालती है ना, वो उसमें वो राग अल्प सा राग भी, वो चूंकि सूक्ष्म लोभ की स्थिति तो अबुद्धिपूर्वक वाली स्थिति है, वो तो ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग
शुद्धोप योग शुक्ल ध्यान की स्थिति है, लीन है और उसमें ही अभाव हो जाता है। लेकिन संज्वलन कषाय, तीन कषाय चार कषाय चौकड़ी की अपेक्षा से बात करें तो संज्वलन कषाय की है क्या स्थिति, कितनी सी है? उदाहरण से स्पष्ट होता है, जल में खिंची हुई रेखा, उदाहरण दिया ना उसके लिए, तो जल में खिंची हुई रेखा में है क्या दम? तो वो इतना संज्वलन कषाय क्या बिगाड़ करता है? तो पड़ा रहने दो मुनिराज, ऐसा ही समझ ले, ऐसा ही मान ले, तो पड़ा रहने दो। अरे पड़ा नहीं रहने दो, वो उतना सा भी उनको बर्दाश्त नहीं। पर परिणति है तो मोह नामनोनुभावाद अविरत मनोभाव्य व्याप्त कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्याय वानुभूते। वो तो उससे भी परम विशुद्धि चाहते हैं, उतनी सी कलुषता भी उन्हें पसंद नहीं है। वो संज्वलन वाली कलुषता है लेकिन वो पसंद नहीं है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, शादी अनंत का आनंद लहिए, पतली धारण भाए वन में, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के अतीन्द्रिय आनंद की कल्पना करो। पांचवी गाथा की टीका में लिखा, उस संवेदन का विशेषण दिया ना, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, चिन्ह है, ऐसा स्वसंवेदन, स्वसंवेदन ज्ञान से, वो मेरे ज्ञान वैभव का जन्म किससे हुआ लिखा ना उसमें स्वसंवेदन जन्मा। और स्वसंवेदन कैसा, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसे स्वसंवेदन से जिसका जन्म हुआ, तो वो निरंतर झरता हुआ आनंद है ना। तो जब आनंद है तो फिर क्या चिंता है, फिर क्या दिक्कत है? ये चौथे गुणस्थान की अपेक्षा कितना अधिक आनंद पांचवें गुणस्थान वर्ती को, और पांचवें गुणस्थान वर्ती की अपेक्षा कितना आनंद छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को। और वो बराबर हर अंतर्मूर्त आत्मसन्मुख होकर क्या सिद्धों से बातें करते हैं, वो बराबर ये स्वसन्मुखता से अतीन्द्रिय आनंद निरंतर भोग रहे हैं, उसके बाद भी उतना सा संज्वलन जनित राग वो स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णता के सामने वो अपूर्णता भासित होती है। इधर द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आया है कि मैं तो परिपूर्ण अनंत सुख अनंत ज्ञान वाला हूं, और इधर पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही है, वो अपूर्णता खटकती है। हमारे जैसे आकुलता व्याकुलता अज्ञानियों जैसी नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय आनंद अनंत सुख निराकुलता में है, उसके बावजूद भी वो अपूर्णता वाली बात वो खटकती है, और उसके लिए स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करते हैं। अब पुरुषार्थ स्वसन्मुखता का करके स्वलीन हुए, शुद्धोपयोग की स्थिति में लीन है, शुक्ल ध्यान से क्षपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, जब क्षपक श्रेणी चढ़ रहे हैं और वहां जाते हुए सूक्ष्म लोभ शेष रहा, वो उतनी रात की कणिका वो क्या बिगाड़ कर रही है, पड़ा रहने दो उसको। वो वहां भी पूर्ण अनंत सुख नहीं है, तो अनंत सुख नहीं है तो बाकी बचे हुए में क्या है? अनंत सुख नहीं है तो क्या है बाकी? अब दुख है ऐसा कहना इसलिए ठीक नहीं लगता है, तो वेदन कहाँ है दुख का? सुख का वेदन है ना, लेकिन पूरा सुख नहीं है ना। वो बात वो खटकती है करती है, कहने में कुछ तात्पर्य नहीं है, तो बुद्धिपूर्वक तो आत्मलीन है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त होगी, लेकिन वो उतना सा रागान शेष रहेगा तो अनंत सुख तो प्रकट नहीं होने देता है, वो बाधक बनता है। इसलिए राग से अकेला भिन्नता नहीं जाननी है, उसके अभाव को भी प्राप्त होना है। और द्रव्याश्रय पड़ा रहे, शरीर पड़ा रहे, कोई बिगाड़ नहीं करता है। इसमें एक और दिक्कत आती है, दस लक्षण धर्म के दस लक्षण में आकिंचन या त्याग में ये बात ली है, तो ठीक है बहुत बढ़िया, जैसे शरीर से भिन्न तो होना नहीं है, भिन्नता अकेली जाननी है, तो ऐसे ही हम
मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इनसे भी क्या कर लेते हैं, भिन्नता जान लेते हैं, होना नहीं है, पड़े रहने दो हम घर में ही रहेंगे। वस्त्रादि से भी भिन्नता जान लेते, वस्त्रादि भी भिन्न है मुझसे ऐसा जान लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम, तो चल जाएगा ना उसके साथ में। ये स्थिति शरीर और ये द्रव्याश्रव से भिन्नता की जो बात कर रही, उनके साथ और वस्त्रादि के साथ भिन्न है। जैसे ये वस्त्र आप उतार करके अलग कर सकते हो, ऐसा शरीर आप अलग नहीं कर सकते हो, द्रव्य कर्म आप अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन वस्त्र आप छोड़ सकते हो। वस्त्र को लेकर के आपने पहना है, ऐसा शरीर को इस तरह से लेकर के नहीं पहना है, कर्म को इस तरह से लेकर के नहीं पहना है जिसे कि आप उतार सको। इसका अर्थ स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन संपत्ति बाहर के वैभव वस्त्र आभूषण ये ग्रहण करने में कहीं ना कहीं हमारा राग वो उससे जुड़ान ये है, तभी है वे। यदि जुड़ान नहीं होता तो नहीं रहते, और यदि वो है तो उसका जुड़ान आपका है उसका, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, उसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन शरीर से पूरा जुड़ान छूट जाए तो भी वह रह सकता है, वो उसे पृथक करने का, बुद्धिपूर्वक अलग करने का उपाय जीव के पास नहीं है, इसलिए उसे अलग नहीं कर सकता, इसलिए वो बिगाड़ नहीं करता है। लेकिन ये यदि थोड़ा सा भी रहेगा तो बिगाड़ करेगा, इसलिए इसे बुद्धिपूर्वक पूरा छोड़ना पड़ेगा। अब उसे शरीर और कर्म को भिन्न जानना है, भावाश्रव को भिन्न करना है। अब भावाश्रव से भिन्न करने की बात लेते हैं, अब कैसे करें भिन्न उसको, भावाश्रव को भिन्न कैसे करें। द्रव्याश्रव को तो जान लिया, शरीर को भिन्न जान लिया, वो तो अलग निकाल के नहीं रख सकते हो, लेकिन भावाश्रव को तो भिन्न करना है। अब भावाश्रव कैसे भिन्न, राग को भिन्न कैसे करोगी, क्या उपाय है उसको भिन्न करने का। तो वहां उपाय है राग से दृष्टि हटा करके अपने स्वरूप में आना, और अपने स्वरूप में आने पर राग उत्पन्न नहीं होता, इसका ही नाम राग का अभाव कर दिया। ये और कोई उपाय नहीं है, भले ही कहने में ये कह रहे हैं उसका अभाव कर देना है, अभाव कर देना है, कर्म का और नो कर्म का अभाव नहीं करना है, पड़े रहे इसका अभाव करना है। लेकिन इसके अभाव के लिए भी जैसे शरीर और कर्म से भिन्न आत्मा को जाना है, ऐसे राग से भिन्न आत्मा को जानना ही है, उसका भी उपाय है। भावाश्रव के अभाव को प्राप्त होने का उपाय भी उससे भिन्न आत्मा को जानना ही है, इसलिए भेद विज्ञान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भिन्न जाने, भिन्न जाने, वो भिन्न जानने का अर्थ ये नीचे की पंक्ति, ज्ञानी सदा ज्ञान एक भावो ज्ञायक एक एव, ये संचेतन होने पर राग उत्पन्न नहीं होता है, इसका ही नाम भावाश्रव का अभाव हुआ। भावाश्रव का अभाव, भावाश्रव के अभाव को प्राप्त हुआ। राग का नाश भी जीव नहीं कर सकता। 36 या 37 गाथा, मोहादि मेरे कुछ नहीं, बस एक उपयोग मैं हूं, ये जो गाथा है इसकी टीका में लिखा, राग के नाश के, नाश के कर्तृत्व का नाम मात्र, माने जीव के राग का नाश किया, ये नाम मात्र कथन है। राग का नाश करना एक कहने की बात है, राग का नाश नहीं करता, तो करता क्या है वो, ये मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक उपयोग मैं हूँ, ये जाना अपने स्वरूप में लीन हुआ तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, इसका ही नाम राग का अभाव है। ज्ञानी ने राग का नाश किया, कौन से राग का नाश किया, भूत के भविष्य के वर्तमान के कौन से राग का नाश किया। भूतकाल का राग तो भूतकाल में नष्ट हो जाता है, भविष्य का अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तो वर्तमान के राग को तो नष्ट कर देता है ना, तो वर्तमान का तो उत्पन्न ही हो गया, तो किसका नाश करता है। तो ना भूतकाल के कर सकते हैं, ना भविष्य के कर सकते हैं, और वर्तमान के तो उत्पन्न हो ही गया है, अब उसके क्या नाश करोगे, वो हो गया वो तो। अच्छा हम नाश नहीं करते तो, वो तो 72, 73, 74 गाथा के हिसाब से तो अशरण है, अध्रुव है, अनित्य है, तो अनित्य अध्रुव अशरण ऐसा है तो वो तो अपने आप नष्ट होने ही वाला है, अगले समय
वो तो उल्टा हम रोकना चाहे तो नहीं रुकेगा, तो नष्ट ही होने वाला है, तो फिर किसका नाश करे। तो वास्तव में नाश करने का अर्थ है उत्पन्न नहीं होने देना, पुनः उत्पन्न न होवे। और पुनः उत्पन्न न हो उसका उपाय क्या है, अपने स्वरूप में लीन हो जाए तो उत्पन्न नहीं होता है। तो चूंकि ज्ञानी इस भाव को, ज्ञानी ज्ञानमय एक भाव, ये एक मूल तो सारा समय सार इसके लिए लिखा हुआ है, ज्ञानी सदा ज्ञानमय एक भाव ज्ञायक एक एव, वो छठवीं गाथा से शुरू कर दी बात, नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव, सातवीं गाथा में भी कहते जान गो दुजो भाव, एक ज्ञायक भाव ज्ञानी संचेतन करता है, नान दंशन समग्गो, अड़तीसवीं गाथा में भी लिया नान दंशन मयो सदा रूवी, तेहत्तरवीं गाथा में नान दंशन समग्गो, ये ज्ञानी के निरंतर यही संचेतन है उनका सभी में। एक बार चर्चा प्रारंभ की थी इस दृष्टि से, मेरे ख्याल से शुद्धता की अपेक्षा प्रारंभ की थी, समय सार में मैं शुद्ध हूँ या आत्मा की शुद्धता की बात कहाँ कहाँ की है, ऐसी अपेक्षा से एक बार चर्चा प्रारंभ की थी, वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसा एक एक अपेक्षा को लेकर के आत्मा ज्ञायक है, ज्ञान स्वरूप है, कहाँ कहाँ चर्चा आई ढूंढो। बाबू जी ने, छाबड़ा जी ने एक बार किया था ना, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, टंकोत्कीर्ण ढूंढो कहाँ लिखा, कितनी बार लिखा है, संख्या ध्यान में किसी को निकाला था, बहुत से विद्यार्थियों ने टंकोत्कीर्ण कहाँ कितनी जगह लिखा हुआ है। पूरे पूरे समय सार को पढ़े, एक ज्ञायक भाव ज्ञान मात्र, 31, 32, 33 गाथा, जो इंद्रिय जनिता नान सहावादीय मुनदि आदम, इंद्रियों को जीतकर अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है, मोह को जीतकर अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है। 36, 37 गाथा, धम्मा धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक उपयोग में हूँ, नत्थि मम धम्मा आदि बुद्धि उवोग एव अहमेको, एक उपयोग में हूँ। 37वीं गाथा, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक उपयोग में हूँ। 38वीं गाथा, धनसर नान मई वो सदा रूवी, पुनः पुनः सब जगह ये ज्ञान मात्र, ये ज्ञायक भाव, ये ज्ञानी का निरंतर संचेतन। तो जिसने अपने आप को ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया, तो चूंकि वह चैतन्य में अपने आप को स्वीकार कर रहा है, द्रव्याश्रव जड़ है, तो वे तो उससे स्वयं स्वभाव से भिन्न हुआ, और चैतन्य आत्मा में रागादि उत्पन्न होते हैं, वे तो जड़ नहीं है, उससे तो भिन्न नहीं है, हाँ वे है तो सही, लेकिन जब ये अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, ज्ञायक रूप अनुभव करता है, तो उनमें ताकत नहीं है कि वे उत्पन्न हो सके, वे उत्पन्न ही नहीं होते हैं, तो सहज ही भावाश्रव के अभाव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए निराश्रवा, इसलिए सदैव कैसा है वह निराश्रव है। श्लोकार देखिए नीचे, द्रव्याश्रवों से स्वभाव से भिन्न और भावाश्रवों के अभाव को प्राप्त सदा एक ज्ञानमय भाव वाला ज्ञानी निराश्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। बोलिए पुनः एक बार कलश और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। अनुशीलन निकाल लीजिए, बनाजदास जी का छंद, और कोई विशेष बात नहीं है इसमें, गुरुदेव का उद्धरण भी छोटा सा ऐसे भी पढ़ लेते हैं। उसके पहले 29 पेज पर नीचे सत्य की खोज का एक उद्धरण दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं, इसी विषय से संबंधित है,
उद्धरण प्रयास करते हैं कि वो संबंध विषय से संबंधित ही दिए जाए उसमें। इसे पढ़ते हैं पहले। अविकृत स्वभाव जाने बिना स्वभाव का आश्रय संभव नहीं और भूमिका अनुसार विकारी पर्याय की सत्ता के ज्ञान के अभाव में हमें ज्ञानियों में इस प्रकार की शंकाएं होने लगती है कि जब ये वीतरागता की बात करते हैं तो फिर इनमें रागात्मक आचरण क्यों देखा जाता है। वो ज्ञानी की स्थिति विचित्र है, चौथे गुणस्थान वर्ती की तो और अधिक विचित्र है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान से कुछ तो व्रत लेता है, नियम बुद्धिपूर्वक छोड़ता है, तो समझ में भी आता है कि इसके राग छूट गया है, इतना छोड़ दिया है इसने तो ये इसका राग छूट गया है, ये ख्याल में भी आता है। इन चौथे गुणस्थान में तो कुछ भी नहीं छूटता है, छोड़ता ही नहीं है कुछ भी, बल्कि गोमट सार तो यहाँ तक कहता है नो जीवे तसे ठावरे वापी नो इंद्रिये सुविरदा, इंद्रियों से विरत नहीं है बिल्कुल भी और त्रस ठावर की हिंसा से भी विरत नहीं है, ये सब चल रहा है उसकी जी, अविरति पूरी चल रही है, माने बिल्कुल उसके बहुत बहुत बड़ी विचित्रता है। श्रद्धा सिद्धों के समान और आचरण मिथ्या दृष्टि के समान, कहाँ तुलना करोगे, कैसे मेल करोगे, आचरण बिल्कुल बाहर का दिखाई दे रहा है बिल्कुल मिथ्या दृष्टियों समान और दुनिया को दिखाई देता है वो बाहर का आचरण ही दिखता है, तो ये सम्यक दृष्टि कैसे माने, निराश्रव है कैसे माना जाए उसे, ज्ञानी को कैसे स्वीकार हो, तो ये इसलिए जगत को स्वीकृत नहीं होता है। और उसी समय वो ज्ञानी अपने आप को मैं इन सबसे रहित शुद्ध बुद्ध चैतन्य में आत्मा हूं, ये पहला वाक्य लेगा, अविकृत स्वभाव जाने बिना स्वभाव का आश्रय संभव नहीं, तो ज्ञानी जानता है विकार ने मुझ में प्रवेश नहीं किया है, त्रिकाल में विकार से रहित निर्विकार नहीं अविकार अविकारी तत्व हूं, ये जानता है, इसके बिना वो स्वभाव के सन्मुख नहीं होता। अब वो ये संचेतन कर रहा है और उसके संचेतन की बात जिनवाणी में लिखी होती है तो लगती है ये राग से रहित है, बाहर इतना राग दिखाई दे रहा है, इतना राग तो हो रहा है ना, तो ये शंकाएं होती है। तो कहते ये भूमिका अनुसार उसके जीवन में कितना राग है इसका ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए पीछे बारहवीं गाथा में लिखा शुद्ध ने जो है वह परम पद में स्थित है उनके लिए और व्यवहार ने अपरम पद में, जो अपर क्या है व्यवहार नो शुद्धो शुद्धा देशो नादव परम भाव दरिशी हिम व्यवहार देशिदापुन जेदु अपरमेठिदा भावे, अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान कहा। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य टीका में उसका खुलासा करते हुए लिखते हैं प्रयोजनवान का मतलब क्या कि उसका आश्रय करने की बात नहीं है, तदात्वे ज्ञायमाना प्रयोजनवान, जिस भूमिका में कौन सा राग कैसे होता है ये ज्ञानी स्वयं भी जानता है और बाकी सबको भी ये स्वीकार करना चाहिए, इस भूमिका में ज्ञानी के ऐसा राग होता है इसलिए राग हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए दादा को विकल्प है ना बार बार वो कि ये भरत चक्रवर्ती और ये सभी शाही सम्यक दृष्टि कैसे, ये बाहर से इतना ठाट बाट सब चल रहा है, वो अंतर्बाह्य दशा ज्ञानी की कैसे होती है, इसे उपन्यास लिखना है और ये प्रयास प्रारंभ कर दिया है, एक पेज लिख दिया है, अब कब पूरा होता है पता नहीं है, जब जब विकल्प होता है तो लिखना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं, दो काम चल रहे एक साथ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ इसका भी अनुशीलन कर रहे हैं, इसको विस्तार से इस पे भी लिख रहे हैं और ये भी इस पे भी प्रयास चल रहा है, तो ये दोनों बातें एक साथ स्वीकार होना चाहिए। देखिए अगला पैराग्राफ, इसमें पर्याय के सत्य का ज्ञान होने से ज्ञानियों में व्यर्थ की शंका नहीं होती तथा प्रयत्न करने पर भी नहीं टलने वाले स्वयं के राग भाव से भी आकुलता उत्पन्न नहीं होती। ज्ञानी वो होते हुए भी मस्त कैसे रहते हैं, इसलिए मस्त रहते हैं, वो समझते हैं
कि ये इस भूमिका में ये राग होगा और ये राग होगा। अब ये अपने आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ करते हैं फिर भी वो राग नहीं छूटता है। पंचम उन्नस्थान व्रति यदि है तो व्यापार धंधे का अपने परिवार का राग आएगा। अब वो ये सोचे कि मैं तो व्रती हो गया उसके बाद भी घर कुटुंब से व्यापार धंधे से भी राग नहीं छूट रहा है तो क्या आकुल व्याकुल नहीं होता है। अभी पंचम गुणस्थान की योग्य भूमिका है तो ये राग आएगा तो इसलिए उससे आकुलित नहीं हुआ। हाँ उसके त्याग के लिए स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है लेकिन उससे आकुलित व्याकुलित भी नहीं होता। वस्तु के सहज परिणमन का ध्यान आते ही सहज शांति उत्पन्न होती है। इस भूमिका में यही स्थिति है ये बराबर ज्ञान रहता है। लेकिन ये भी सोच करके मैं रागी ही हो गया तो मैं स्वभाव का आश्रय कैसे करूँ, स्वभाव रागी हो गया ये भी बात नहीं है। इस बात का भी बराबर ध्यान है द्रव्य स्वभाव कैसा है। चलिए पुनः 33 पेज पर 115वां कलश का नाटक समय सार का भावानुवाद बोलिए। जो दर्वाश्रव रूपन होई जह भावाश्रव भावन कोई जाकी दशा ज्ञान मय लही सो ज्ञातार निराश्रव। जो द्रव्याश्रव रूप कभी होता ही नहीं है जो द्रव्याश्रव रूपण होई क्योंकि चैतन्य रूप आत्मा है जड़ रूप कैसे होगा। और जहां भावाश्रव भावन कोई और कोई भावाश्रव का भाव नहीं रागादि का भाव रंच मात्र भी जहां पर नहीं है तो है कैसी जाकी दशा ज्ञान मय लही है। क्या संचेतन चल रहा है कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं सो ज्ञातार निराश्रव कही है। ऐसा जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वो कैसा है निराश्रव है। गुरुदेव का उदाहरण देखिए। जिसको राग का कर्तृत्व छूट कर निज आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ उस धर्मात्मा ने भावाश्रव का अभाव कर दिया है। सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का अर्थात ये भी ध्यान रखना है बार बार कह रहे लेकिन कौन से भावाश्रव की बात है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव ही है यह नास्ति से कहा। अस्ति से कहे तो धर्मी जीव ने अपने त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को प्राप्त कर लिया है। ये कलश में ऊपर की पंक्ति नास्ति की है और नीचे की पंक्ति अस्ति की है। ज्ञानी के ये अभाव है अभाव कर दिया कहते कुछ नहीं किया। ये जो कहना नास्ति का कथन है अस्ति से तो क्या है कि वो अपने आप को ज्ञान में अनुभव कर रहा है और इसमें सब आ गया। अज्ञानी अनादि से राग द्वेष मोह रूप भावाश्रव रूप हो रहा था। ये राग द्वेष मेरे कर्तव्य है अनादि से ऐसा कर्तापना मान रहा था। अब कर्तापना त्याग करके वही जीव ऐसा मानने लगता है कि मैं तो परमानंद का नाथ शुद्ध चैतन्य घन प्रभु एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ। सारा जगत मात्र गेय है दृश्य है तथा ऐसा विचार करता हुआ अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को ध्येय बनाकर उसमें अंतर्लीन होता है तब वह भावाश्रव का अभाव करता हुआ ज्ञानी होता है। यही निराश्रव होने का उपाय यही है। भले ही नास्ति से कहा जाए कि राग का अभाव करो कर्म का अभाव करो ये सब नास्ति से उपदेश का कथन है। वास्तव में तो अपने स्वरूप में मग्न होना यही उपाय ज्ञानी यही कर रहा है। यह बात मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय की अभाव की अपेक्षा से जानना ये बराबर पर्याय का ज्ञान भी बराबर होना चाहिए। जिस भूमिका में जिसका अभाव है उसी के अभाव की बात है बाकी के जो सत्ता में पड़े उसकी है। यह भी आगे चर्चा इसी बात की आने वाली है। ज्ञानी को आश्रव हो रहा है ना तो क्यों हो रहा है ये अभी चर्चा आएगी आगे। इस प्रकार यहाँ ज्ञानी को मिथ्यात्व और अनद्वंद्वी कषाय के अभाव वाला होने से एवं समकित व स्वरूप स्थिरता वाला होने से निराश्रव कहा है। कोई एकांत से मान बैठे कि उसे आश्रव का अस्तित्व नहीं है सो ऐसा नहीं है। ये बात अंत में आते आते इसलिए भी याद दिला रहे हैं क्योंकि आगे इसकी चर्चा आने वाली है। ज्ञानी को जितना आश्रव बंद हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसकी चर्चा आगे करेंगे। इस प्रकार इस कलश में कहा गया है कि भगवान आत्मा द्रव्याश्रवों से तो भिन्न है ही
भावाश्रवों का ज्ञानी ने अभाव कर दिया है। इस प्रकार ज्ञानमय भाव से संपन्न ज्ञानी सदा निराश्रव ही है। हम भी स्वभाव से ज्ञानमय है, इस ज्ञानमय भाव को स्वीकार करें और परिणति में भी निराश्रव हो, इसी मंगल भावना के साथ।